लोकोमोटिव को चार्ज लेते समय एवं अतिरिक्त ठहराव में थ्री फेज लोकोमोटिव में मोशन ट्रेन कैसे करें, आज की प्रक्रिया में ये ही जानेंगे। तो सबसे पहले आज हमने दो नंबर कैब की ओर से शुरुआत की है, एक नंबर कैब की ओर से भी कर सकते हैं। दो नंबर कैब की ओर से तो हमें सबसे पहले दिखाई दिया ऑक्जिलरी रिजर्वायर। ऑक्जिलरी रिजर्वायर के नीचे आप देखेंगे मोशन ड्रेन कॉक लगा हुआ है। आप जैसे इसको खोलेंगे तो यहाँ से मोशन ड्रेन होने की आवाज़ आएगी, दिखाई नहीं देगा कैसे, देखिए। अगला जस्ट इसी के सामने, इसी के पास में लगा हुआ है MR2, मेन रिजर्वायर 2 लगा हुआ है। उसके जस्ट नीचे देखिए, इसके भी नीचे एक कॉक लगा हुआ है। यहां से ड्रेन करिए, किस प्रकार से ड्रेन होता है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर और मेन रिजर्वायर 2 का मोशन ड्रेन हो गया है, तो अब क्या करेंगे, कॉरिडोर के थ्रू जाएंगे नंबर 1 की तरफ। तो रास्ते में न्यूमेटिक पैनल भी मिलेगा। न्यूमेटिक पैनल पे ऑक्सिलरी कंप्रेसर का रिजर्वायर लगा हुआ है, उसका मोशन ड्रेन भी अवश्य कर लें। E70 है, CCV ब्रेक सिस्टम है, उसमें थोड़ा पीछे की तरफ है रिजर्वायर, वहीं पे कॉक लगा हुआ है, उसको खोल दें यहाँ से इनका मोशन ड्रेन भी करते हुए, और तब आगे बढ़े। आगे निकल के आप कैब नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं 1 नंबर से, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मेन रिजर्वायर नंबर 1। मेन रिजर्वायर नंबर 1 के नीचे भी एक कॉक लगा हुआ है। आप जैसे ही इस कॉक को खोलेंगे तो यहां से भी मॉशर ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से थ्री फेज लोकोमोटिव में चार ही पॉइंट है जहां से मॉशर ड्रेन करना है, बाकी काम ऑटो ड्रेन वाल लगे हुए हैं और एयर ड्रायर लगा हुआ है, वो कर लेंगे। लेकिन आपको जब भी समय मिले, अतिरिक्त ठहरा हो, तो मॉशर ड्रेन अवश्य कर लें, जिससे न्यूमेटिक सिस्टम अच्छी तरीके से कार्य करता रहे, सही ढंग से कार्य करता रहे। कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं यार, लोगों को भी नहीं यार। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी